हेलो दोस्तों, आज हम बात करने ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन भर्ती परीक्षा को लेकर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीएम धामी से कई अभ्यर्थी आज मिले हैं और अपना ज्ञापन दिया है, और इसमें यहाँ पर सीएम ने क्या बोला वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थी, जो कि यहाँ पर कल भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था काफ़ी बड़ी संख्या में, आप लोगों ने देखा होगा देहरादून में, और धामी से आज यहाँ पर मिले हैं और धामी ने इनके लिए बड़ी बात कही है। इसमें बताया गया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यहाँ पर सचिवालय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग योग्यता प्रश्न से स्नातक स्तरीय परीक्षा में जो है चयनित अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो है भेंट की है। और इसमें जो है सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में जो है जहाँ भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो रही है, वहाँ जो है हमने सख्त जो है जाँच के आदेश दिए हैं, और कुछ मामले जो है एसटीएफ को दिए हैं और कुछ जो है विजिलेंस को नियुक्त किया गया है। और उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले में किसी भी दोषी को जो है नहीं बख्शा जाएगा, तो किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो है पूरी ईमानदारी और मेहनत अपनी मेहनत से यहाँ पर परीक्षा पास की है, उन्हें निराश नहीं होने दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीएम धामी ने आज फिर से वही बात कही है जो पहले आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, और कहा था कि यहाँ पर जो है चयनित जो अभ्यर्थी होंगे उनका यहाँ पर जो है उनकी मेहनत हम बेकार नहीं जाने देंगे, साथ ही उन सभी को जो है दोषी जितने भी होंगे उनको जो है कड़ी सजा देंगे, ऐसा यहाँ पर कहा है। और फिलहाल जाँच चली हुई है, और इस पर जो है यहाँ पर अभी सीएम ने फैसला तो नहीं ले रखा है कि भर्ती वीडियो ऑफिशियली, मतलब कि अभी वीडियो भर्ती का क्या होना है। और फिलहाल जो है चयनित अभ्यर्थी यहाँ पर जो है अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और आश्वासन इस तरह का मिल रहे हैं। हालांकि जो है सीएम ने इससे पूर्व अलग अलग बयान दिए हैं, आप लोगों ने देखे ही होंगे कि चयनित अभी फिलहाल जो भर्ती में गड़बड़ी मिली है उस पर कई जितने भी यहाँ पर कोई साक्ष्य मिल रहे हैं, तो उन सभी भर्ती को निरस्त करने की बात भी कही गई थी, फिर बाद में अपना चेंज भी करा गया था। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इस पर जो है ज़्यादातर आयोग का ही अधिकार रहता है, और आयोग को रिपोर्ट मिलेगी एसटीएफ की, उसके हिसाब से जो है आयोग अपना निर्णय लेगा कि भर्ती परीक्षा क्या करना है क्या नहीं करना है करके, और सरकार का भी रहता ही है। लेकिन सरकार फिलहाल जो है अपनी जिस स्थिति में है, इसमें चयनित अभ्यर्थियों को यहाँ पर निराश करना नहीं चाह रही, ऐसा यहाँ पर बताया गया है।